आधार मतलब ही हो जाता है एक्सपेक्टेशंस, कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्टेशन से कर रहा हूं वो काम, और वो एक्सपेक्टेशन जब ऊपर नीचे होती है तो मैं भी हिल जाता हूं। अर्थात जैसे जैसे वो आधार हिलता है तो मैं भी हिल जाता हूं, क्योंकि मैंने उस आधार को पकड़ा हुआ है, मेरी खुशी उस पर आधारित है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर कोई भी काम मैं करता हूं तो अगर मैं प्रॉफिट के लिए वो कार्य करता हूं तो वो प्रॉफिट जब ऊपर नीचे होता है तो मैं भी ऊपर नीचे हो जाता हूं। परंतु अगर मैं परमात्म श्रीमत प्रमाण कर रहा हूं कोई भी काम, तो मैं अगर कोई प्लानिंग भी बनाऊंगा तो वो शिव बाबा के आगे रखूंगा, बाबा को समर्पण कर फिर वो काम करूंगा, तो तब मेरा कोई आधार नहीं है, तब मेरा आधार केवल और केवल परमात्मा शिव बाबा ही होगा। तब तो अस्थिर होने का, मन से हिलने या विचलित होने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर मैं कोई एक्सपेक्टेशन लाभ हानि की रख लेता हूं तो मेरा आधार परमात्मा नहीं, लाभ या हानि हो गया। इसीलिए लाभ मुझे ऊंचा उठाएगा और हानि मुझे नीचा गिराएगी, तो इससे मेरे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी।